देखे कैसा जहर मैच हुआ उन्हें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। ये वीडियो असॉल्टिंग ड्रिल्स पार्ट टू है। इसके पहले भी और एक वीडियो डाला मैं, पार्ट टू। हाँ बोले वो ड्रिल्स प्रैक्टिस कर लिए भाई, नए ड्रिल्स लेके आओ। ये वीडियो प्री एंड तक देखो, नए ड्रिल्स दिख जाते, तुम्हारा सब इंप्रूव होता। स्पेशली ऐसा क्लोज कॉम्बैट रेंज लॉन्ग रेंज स्प्रे कैसा एक्यूरेट करना, उसके हिसाब से उसके बराबर ड्रिल्स है। पूरी वीडियो एंड तक देखो, मजा आएगा। सो गाइस, सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे क्लोज कॉम्बैट से। क्लोज कॉम्बैट के बारे में आप लोगों को मैं तीन ड्रिल्स बता। अपना गैस कैन है ना, यहाँ पे आ जाओ, गाड़ियों के पास गैस कैन उठाओ। सबसे पहले गैस कैन निकाल के यहाँ पे छोड़ दो गैस कैन, ये छोड़ दिया देखो। अब क्लोज इन रोल करता और जंप एंड शूट बहुत मेजर रोल करता। कहीं अगर कोई बंदा टीपी पे दे रहा, पुश करने का कॉल आ रहा, आप ऐसा जाके कभी कभी मार देते, कभी कभी नहीं मार पाते। तो मोस्टली जंप शूट ट्राई करना। जंप शूट एक्यूरेट कैसा करना बोले तो, अब फॉर एन एग्जाम्पल एनिमी उसके पीछे है, अपन गैस कैन को एनिमी बना दिए, तो अपन ऐसा रन ले रहे, रन लेके जंप लेके शूट, ऐसा प्रैक्टिस सेम अगेन, जिगल करके रन लिए फिर शॉट ऐसे। ये पर्टिकुलर जो है ये आप इसके जंप के लिए, जंप एंड शूट के लिए यूज करो। आए टारगेट पे सीधा जंप करे, शॉट लिए, फोड़ो गैस कैन। गैस कैन को टारगेट समझो, आप समझो ऐसा जंप ले रहे ऐसा, इससे ये प्रैक्टिस ज्यादा होता। सो गाइस, इसके जो पहले वाली ड्रिल थी, अपन ग्राउंड लेवल फाइट लिए। कभी कैसा रहता, अपने पे अपर रिज एडवांटेज रहता और लोअर रिज पे बंदा रहता। तो एज एन एग्जाम्पल ये कंटेनर को आप अपर रिज समझ लो और इसको टारगेट समझ लो। सो गाइस, हायर रिज से लोअर रिज वालों को मारने के लिए सबसे बेस्ट ड्रिल है, यहाँ है सेंटर टारगेट पकड़ लो, इधर से उधर जंप मारो, मारते मारते जंप करो। ऐसा बहुत बेस्ट रहता है, यहीं से स्टार्ट करो। लाइक ऐसा जंप करे, थोड़ा थोड़ा क्लोज गए। आपको ये देखने में लग रहा है अरे इजी है, लेकिन जब आपको ये गेम में इफेक्ट करेगा ना, आपको लगेगा अरे भाई ये गेम है करने से मेरा लिटरली जंप जब मैं करा बंदा नॉक हुआ, तब आपको रियलाइज होता है। ये प्रैक्टिस करो। सो गाइस, नेक्स्ट ड्रिल के लिए आपको यहाँ पे आना है, क्लोज कॉम्बैट की ड्रिल है हिप फायर के लिए। ये टारगेट है समझो, सेंटर ये लाइन पकड़ लो। अब जब अपन क्लोज रहते ना टारगेट के, तब जिगल ज्यादा करो, ज्यादा मतलब ऐसा ऐसा समझ रहे ना, एकदम ज्यादा। और जैसा अगर आप थोड़ा दूर से हिप फायर मारे, अगर हिप फायर मारे और ज्यादा जिगल करे, तो आपका एम देखो बुलेट्स हर जगह कनेक्ट नहीं हो रहे ना, तो ये मोमेंट पे क्या करो, स्लो जिगल करो, या तो एकदम लेफ्ट जाते रहो या तो राइट जाते रहो टारगेट के हिसाब से, स्लो जिगल करो। लॉन्ग अगर थोड़ा समझो, इतना गैप है, ये कितने मीटर का गैप है, 11-12 मीटर का गैप है, तो ये टाइम पे अगर आप ज्यादा जिगल करे तो आपके मोस्टली शॉट्स मिस होते और थोड़े ही कनेक्ट होते। जब क्लोज रहता बंदा, तब दे जिगल करके मारो उसको। और अगर थोड़ा दूर से भी आप हिफायर मार रहे, तब थोड़ा हल्का सा जिगल करो, राइट लेफ्ट ऐसा। सो गाइस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ड्रिल, आपको एक सेट बताता हूँ इसका कैसा है। सबसे पहले आपको लेफ्ट पिक करना है, शूट करना है, राइट पिक करना है, शूट करना है, फिर जिगल करके आगे जाना है, फिर जंप एंड शूट पीछे के साइड, फिर वापस लेफ्ट आगे, जंप एंड शूट पीछे के साइड। ये सेट वन हुआ, अब इसको करके बता दूंगे। नेक्स्ट ड्रिल के लिए आपको यहाँ पे आना है, ये बेस ड्रिल कॉम्पिटिटिव में आपको बहुत काम आएगी। जैसा अपन कॉम्पिटिटिव में गाड़ी कभी कवर बनाने के लिए, गाड़ी अपन समझो कवर, कभी ये साइड ऐसा गाड़ी रोको, लेफ्ट साइड में बंदे रहते ये साइड पे मेरे यहाँ पे, अपन क्या करते यूजुअली ऐसा घूम के उसके गोलियां खा ले हुए यहाँ पे आते। अच्छा क्या करना, सीट चेंजिंग भी बचते, डैमेज नहीं पड़ता सामने वाला। तो सबसे पहले गाड़ी यहाँ लगा लो। अब देखो पहले स्लो करके बताता हूँ आपको, एग्जिट करे, शूट करे, ड्राइविंग करे, सीट चेंज करे, एग्जिट करे, फिर से शूट करे, समझ गए। तो वैसे आपको ऐसा फास्ट करने का है ताकि आपका प्रेजेंस अच्छे। और कभी कभी कैसा रहता मानो, अपन गाड़ी ले लेके जा रहे हैं रोटेशन में, अपने आपको गाड़ी मिलती कोई एनिमी की, तो अपन अगर समझो सबसे पीछे खड़े हुए, अपनी टीम आगे जा रही, तो टीम को कवर देने के लिए कभी एग्जिट करके अपन स्प्रे दे देना, तो वो भी थोड़ा स्पीड रहता है। ये सब प्रैक्टिस करने से, एड्रेस प्रैक्टिस करने से थोड़ा इंप्रूव होता है, एक्यूरेसी बढ़ती है उसकी भी। सो गाइस, जो ये ड्रिल बता रहा हूँ इसको चैलेंज लेना आप लोगों को, ये मेरे को, मैं जैसा करके बता रहा हूँ वैसा करके आप लोगों को बताना, इंस्टा स्टोरी में मेरे को टैग करना। ड्रिल देखो पहले क्या है बोले तो, इसका इम्पैक्ट क्या है बोले तो, मैं समझाता हूँ देखो आप लोगों को।
मेरा क्राउच यहाँ है इंडेक्स पे, मेरा पीक भी इंडेक्स पे, तो मेरा इंडेक्स फर्स्ट ना बोल के ये ड्रिल है। अगर आपका ये चीज अलग अलग जगह है, जैसा कि आपका क्राउच इंडेक्स पे और थंब पे पीक है आपका, तो वो और फास्ट करना कैसा बोल के ये ड्रिल है। जिधर भी रहें दो भाई, आपका थंब कहाँ पे भी रहें दो, कौन सा भी कोने में रहें दो स्क्रीन पे, आप जिस भी फिंगर से टच करते हैं वो फिंगर फास्ट होना, टैपिंग आपकी उस पे क्राउच पे या पीक पे अच्छी होना बोल के ये है ड्रिल। ये देखो क्या है, पीक करा मैं, अनक्राउच करा, पीक कर, इसलिए है आपका जो फिंगर आप जब टैप करते हैं आप स्क्रीन पे एग्जैक्टली वही होना जहाँ आप करना, जो करना चाह रहे आप पीक लेफ्ट करना चाह रहे तो लेफ्ट पे आपका वो फिंगर टैप होना। ये चीज की एक्यूरेसी के लिए ये ड्रिल है, इसका कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव या क्लासिक में इसका कुछ रोल नहीं है। करते बहुत जन चाइनीज प्लेयर्स ये ड्रिल बहुत यूज करते हैं, अगर कोई रिज पे बैठे हुए क्राउच करके बैठे तो कभी कभी कैसा रहता बोले तो हेड पड़ जाता, कोई भी ऐसी रिज रहती तो उन लोग क्राउच इसके लिए बैठते ताकि हेड ना दिए और एनिमी सामने से आ रहा तो समझ रहे ऐसा। तो गाइस जो नेक्स्ट ड्रिल है, इसके पहले भी मैं असॉल्टिंग में ये पट्टी वाला ड्रिल मैं आपको बता रहा, अब आपको क्या करना है, इसका एक लेवल अप करना है। ऊपर वाली लाइन देख रहे आप, ये लाइन देख रहे ना, ये देखे कैसा ट्रेस करा मैं, ये जो ट्रेस कराना है एग्जैक्टली वो लाइन को मैच करता हूँ, जो गैप आ रहा बीच में जहाँ पट्टी नहीं है, ये लाइन को एग्जैक्टली आपको मैच करते हुए जब आप नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचते आपका स्प्रे वही लाइन पे कंटिन्यू होना। कुछ चैलेंज लेना है आपको, 9 days चैलेंज लेना है, मैं आपको बता दूं। देखो सबसे पहले ड्रिल देखो, देखिए कैसा जहर मैच हुआ उन्हें लोमो में, देखे देखो प्लेबैक स्पीड कम करके देखो कैसा जहर मैच हुआ उन्हें। ऐसे ही आपका भी मैच होना, इमेजिन करो ऐसी गाड़ी जा रही है यहाँ से, क्या स्प्रे जा रहा अभी आपका, क्या स्प्रे जा रहा। स्टोरी में टैग करना इंस्टाग्राम पे, आप वीडियो डालो इंस्टाग्राम में, मेरा लिंक दे रहा हूँ आप कमेंट डिस्क्रिप्शन में, जब भी आपकी प्रैक्टिस सेशन कम्प्लीट होती रहता स्टोरी में मेंशन करो, मेरे को मेंशन करो, मैं पक्का गलती कर रहे क्या कर रहे मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। सो अरे आखिरी ड्रिल बोलना भूल गया भाई आप लोगों को, ये मेन ड्रिल है। देखो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना वीडियो को और सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय, पीस आउट। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, झूठ पीछे सच्चाई की मानी है, मुंह पे है सफेदी और चाल इनकी काली है, किया जो जुर्म उसकी सजा काला पानी है। शब्दों से खेलूं मैं वो खुलूंगा ज्वाला, टिकटॉकर्स का मुंह से छीनने वाला है निवाला, पीठ पीछे वार नहीं सीधा हाथ डाला, इज्जत तेरी लूटू कर स्वाला लाला, बातें तेरी बिकी उनमें आता कोई स्वाद नहीं, देंगे सब दांत मेरे वार देते फाड़े, शब्दों का श्राप कर दे तेरे खटे।